आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले बुध आदित्य योग के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्योतिष या वास्तु से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, या जो बुध आदित्य योग है या पराशरी ज्योतिष के हिसाब से देखा जाता है, और बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध दोनों प्लेनेट के योग से बनता है, और यह बहुत कम ही अप्लीकेबल होता है। पहले हम ये समझेंगे बुध आदित्य योग होता क्या है। बुध आदित्य योग यह एक राजयोग, जिसको आप समझते हो, सुने होंगे, राजयोग होता है। मतलब आपके जन्म कुंडली में जिस भाव में, आपकी कुंडली में जिस भाव में यह योग बनता है, उस भाव के फल आपको जरूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। आपको अर्श पर लेके जाता है यह योग। लेकिन यह बहुत सारी कुंडलियों में अप्लीकेबल होता ही नहीं है, क्योंकि सूर्य देव के पीछे ही बुध देव साथ में रहते हैं, और यह 14 डिग्री पर अस्त माने जाते हैं। जैसे अगर सूर्य देव 15 डिग्री पर हैं और बुध देव 1 डिग्री पर हैं तो वह अस्त नहीं है, लेकिन अगर बुध देव 2 डिग्री पर हैं तो अस्त रहे माने जाएंगे। तो यह आपकी जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग अप्लीकेबल ही नहीं होगा। दूसरा, यह बुध आदित्य योग जब बनता है तो जिस लगन कुंडली में बनता है, उस लगन कुंडली में ये दोनों प्लेनेट में से कोई भी एक भी प्लेनेट अगर मारक प्लेनेट है तो भी बुध आदित्य योग अप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ 3 ही लगन कुंडलियां ऐसी हैं जिसमें बुध आदित्य योग अप्लीकेबल होता है। एक है वृषभ लगन, दूसरा है सिंह लगन, और तीसरा है धनु लगन। ये 3 ही कुंडली ऐसी है जिसमें दोनों प्लेनेट अप्लीकेबल होते हैं, ना मारक नहीं होते हैं। इस जन्म कुंडली में ही बुध आदित्य योग बनता है। बुध आदित्य योग जो बनता है, और ये आपके जन्म कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में नहीं बनना चाहिए। जैसे अगर ये आपके लगन में बुध आदित्य योग बन गया है तो आपको बोल्ड पर्सनालिटी बनाएगा, आपको ज्ञानवान, सूझवान, आपका हर चीज़, आपका रुतबा आपका अच्छा रहेगा, और आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। और अगर आपके जैसे 2nd हाउस में बन गया है तो आपको जो करोड़पति, अरबपति, मिलेनियर बिलियनियर तक यह योग बनाता है, क्योंकि बुध देव आपके बुद्धि के कारक हैं और यह बिजनेस को दिखाते हैं, और सूर्य देव आपकी अथॉरिटी है, आपका सोल है। इसलिए आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि आपके सोल से जब कनेक्ट होती है तो आप कुछ नया क्रिएट करते हो। आपका माइंड अपनी अच्छी जगह पर यूज होता है कि आपको आगे क्या करना है, आपको बिजनेस का उतना परख हो जाता है आपकी बुद्धि के द्वारा। इसलिए यह आपके जन्म कुंडली में अगर यह योग है तो आपको जमीन से आसमान पर ले जाने का कार्य करता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि उनके जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग तो रहता है पर वह अप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये जो 12 लगन कुंडली होती है उसमें बुध देव और सूर्य देव की स्थिति हम आपको बताएंगे, उसके हिसाब से आप बुध आदित्य योग समझ सकते हैं। और वह वृद्धावस्था में ना हो और बाल अवस्था में ना हो, 0 डिग्री ना हो और मारक ना हो। अब जैसे हम मेष लगन की बात करते हैं, मेष लगन में बुध देव 3rd और 6th भाव के मालिक होते हैं तो या यहाँ पे मारक प्लेनेट कहलाएंगे। सूर्य देव 5th के होते हैं तो ये कारक कहलाएंगे। वृषभ लगन की कुंडली में बुध देव 2 और 5 के मालिक हैं, सूर्य देव 4th हाउस के मालिक हैं, और मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य देव 3rd घर के मालिक हैं और बुध देव 1st और 4th घर के मालिक हैं।
कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य देव दूसरे घर के और बुध देव तीसरे और बारहवें घर के मालिक हैं। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य देव बारहवें घर के मालिक हैं।